कर दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो पोर्टफोलियो शेयर करने से पहले कुछ कमेंट्स रहते हैं एज यूजुअल। तो शाहिन जी का कमेंट आ रहा है, मेरा 716 का स्ट्रेटजी दिखा रहा है, इसका 15% क्या देना पड़ेगा? तो आपका जितना एक साल के अंदर जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसका उसका उसके ऊपर 15% देना पड़ेगा। एज मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये है मेरा 28,000, यहाँ पे एसटीसी दिखा रहा है 28,500। ये 28,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ एक साल में, ठीक है, 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ इसका। तो अगर मैं पूरा रिडीम करता हूँ, इसके ऊपर टोटल के ऊपर मेरा 15% एसटीसी लग जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 28 में से मैं बस 14,000 रिडीम करता हूँ, तो उस 14,000 के ऊपर 15% लग जाएगा मेरा। तो आप देख लीजिएगा कितना एसटीसी है आपका। आपका अगर 716 दिखा रहा है यहाँ पर, और अगर 716 ही आप रिडीम करना चाहते हैं, तो हाँ, उस 716 पे ऊपर आपका 15% लग जाएगा। आप अगर कम रिडीम करना चाहते हैं तो कम पैसा लगेगा। तो नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। शायन जी का फिर बोल रहे हैं, कल बहुत एफआई का पैसा है इसलिए बूस्ट मिला। एफआई का पैसा, मार्केट सेंटिमेंट हाई है, काफी हाई है रेट कट की वजह से, इसलिए एफआई का भी पैसा आ रहा है। इस वीक लगातार मतलब भर भर के पैसा आ रहा है, इसीलिए मार्केट इतना ऊपर जा रहा है। अभी तो डर डर लग रहा है कि मार्केट क्रैश ना कर जाए, अभी इतना ऊपर ओवर वैल्यूड हो चुका है मार्केट। तो देखते हैं, जब तक वैल्यू मिल रहा है तब तक अच्छा है। नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं, बीरू देव जी का आज का लास्ट कमेंट है। प्रतीक सर, पूरा 20 दिन हो गया पोर्टफोलियो रिव्यू ने, 20 दिन नहीं हुआ है। आपने 12 दिन दिया, 14 दिन पहले भेजे थे। एक्चुअली बहुत सारा पोर्टफोलियो रिव्यू का रिक्वेस्ट रहता है, एक एक करके करना पड़ता है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस से होता है। तो आपका रिव्यू आज होगा, आज रात को आपका रिव्यू मिल जाएगा, जरूर देख लेना वीडियो, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 का देख सकते हैं, 0.4% इंक्रीज हुआ है कल, जो कि काफी ठीक है। मतलब मार्केट तो लगातार बढ़ ही रहा है, फ्लैट जा रहा है या फिर बढ़ रहा है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात कर लेते हैं, मिड कैप 0.05% नीचे गिरा था, जो इसको फ्लैट ही कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और स्मॉल कैप के बारे में, 0.54%। स्मॉल कैप तो रैली दे ही रहा है, मतलब एक बार जो गिरा था उसके ऊपर तो जा ही रहा है ऊपर, एक कब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जो कि अच्छा है, लेकिन डर भी लग रहा है साथ में। तो टोटल के बारे में बात कर लेते हैं, देख सकते हैं दो ही फंड बस नेगेटिव में है। मिड कैप का तो नेगेटिव में था कल का, इसलिए -46 दिखा रहा है यहाँ पर क्वांट का मिड कैप। और कॉन्ट्रेरी टू क्वांट, मोतीलाल ओसवाल ने ठीक ठाक रिटर्न दिया है, 83.049% के हिसाब से, ठीक है। और स्मॉल कैप के बारे में बात कर लेते हैं, क्वांट स्मॉल कैप जैसे 158 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, ज्यादा हिला डुला नहीं है मार्केट, फ्लैट ही बोलेंगे, 0.35-0.43%। ये सब ज्यादा खास नहीं है, 1 से ऊपर रहता है, 1 के करीब भी रहता है तो ठीक रहता है। बंधन स्मॉल कैप 0.43-137 का प्रॉफिट है। महिंद्रा मानव लाइफ देख सकते हैं 0.62, इन दोनों से कंपैरेटिवली बेटर है, 136 का प्रॉफिट दिया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 0.52% के, 114 का प्रॉफिट दिया है। और सेक्टरल फंड के बाद आदित्य बिरला पीएसयू नेगेटिव में गया है। आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये आज भी पीएसयू वाले स्टॉक्स नेगेटिव में है काफी, तो कल का जब वीडियो बनाऊंगा वो भी नेगेटिव में ही जाएगा। कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर वार्ड का 0.18%, 31 रुपीज का इंक्रीज हुआ है। तो टोटल 5,000 का प्रॉफिट है, कॉन स्मॉल कैप में 2,300 प्रॉफिट है, बंधन में आदित्य बिरला 3,893 देख सकते हैं, इसका 72 अच्छा है, 2,000 है इसका महिंद्रा मानुलाइफ का, मोतीलाल ओसवाल का 1,900, 2,500 है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर का, 149% एक्सआईआर है, 71% एक्सआईआर है मोतीलाल ओसवाल का, जो काफी अच्छा है, 1,900 का प्रॉफिट है, और 1,800 का प्रॉफिट है क्वांट मिड कैप में, 94% का एक्सआईआर है। टोटल का बात करते हैं, एक वन डे का 650 रुपीज का आमदनी हुआ है, जो कि ठीक है, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, तो दैट्स फाइन। 2,25,000 इन्वेस्टेड है, 2,54,000 का वैल्यू है, 28,000 अभी मेरा करेंट रिटर्न्स है, टोटल रिटर्न्स। तो अगर मैं, हाँ वही बोल रहा था, अगर मैं ये वाला अगर चीज मैं रिडीम कर लेता हूँ अभी, तो इसमें मेरा 15% एसटीसीजी टैक्स लग जाएगा। क्यों रिडीम करना है, रखे रहिए ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए। अभी तो थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, बुक कर लूंगा, ये सब मत कीजिए, आपका रिटर्न बनेगा नहीं फिर। एक्सपायर है 58%। तो अब वीडियो यहीं पर एंड करते हैं गाइस, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं एवरीडे वीडियो बनाता हूँ अपने पोर्टफोलियो का, और अपना अपना कमेंट सेक्शन में आपका पोर्टफोलियो शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं रिव्यू कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग।